आप लोग सब ठीक हो, बिकॉज वायरल चल रहा है तो प्लीज अपना ध्यान रखना, सबको वायरल हो रहा है। आज की वीडियो है अबाउट माय नेटफ्लिक्स शो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने नेटफ्लिक्स शो करा हुआ है और मेरा शो ऑन एयर है एंड इट्स डूइंग गुड, ट्रेंडिंग में भी है वो। तो प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इट, तभी आप लोग इस वीडियो से रिलेट कर सकते हो, फिर आके ये वीडियो देखना। पर जिन्होंने मेरा शो देखा है उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इससे रिलेटेड कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसा शो ये वो। सो हेयर आई एम टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन, बिकॉज यू नो यू आर माई बेस्टीज, यू नो आई हैव टू टेल यू ऑल द इनसाइडर, ऑल द सीक्रेट बिहाइंड द कैमरा एंड ऑल। वैसे तो 24 घंटे हमारे पास कैमरा होता था, बिहाइंड द कैमरा कोई सीन नहीं है हमारा। अब बट आई टेल यू ऑल द सीक्रेट। मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको कोई भी क्वेश्चन है शो से रिलेटेड तो वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। तो मैंने कुछ पिक करे हैं एंड आई एम गोना आंसर दैट ऑल ऑफ दैट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा गया, सबसे ज्यादा मतलब 60% तो यही क्वेश्चन था। एंड द क्वेश्चन इज रूही एंड रोही स्टिल इन कॉन्टैक्ट? यस वी आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट। इवन मेरी आज भी उनसे बात हुई है और मेरी उनसे परसों भी बात हुई थी। ऑलमोस्ट हम लोग हमारी ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी सेकेंड डे हमारी कॉल पे बात होती है, और वैसे चैट छुट पे भी हमारी बात नहीं होती, डायरेक्ट कॉल पे बात होती है। ऑब्वियसली वी टॉक ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो और इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो या मेरी बात होती है, वी स्टिल इन कॉन्टैक्ट। जस्ट बिकॉज शी लिव्स इन बॉम्बे आई लिव हेयर, तो हम मिल नहीं सकते हैं, बट वी बोथ आर ट्राइंग टू मीट ईच अदर, बिकॉज यू नो आप लोगों ने हमारा बॉन्ड देखा है ये शो में। हम लोग का बॉन्ड तो दिखाया नहीं भाई, बिकॉज ऑब्वियसली 8 एपिसोड में 21 डेज का क्या क्या दिखा देंगे, बट मैंने और हुई ने इतने मजे करे ना, मतलब हम लोग का तो अलग ही, हम दोनों की ग्रुप ही अलग थी यार, हम दोनों अलग ही चिल करते थे और हुई की जोड़ी बहुत सही थी, मतलब वी हैड सो मच फन। नेक्स्ट वन है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन साक्षी? शी इज अमेजिंग, बिकॉज मैं उनसे मिली हूँ सामने भी, शी इज वेरी पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेरी काम। मतलब अपने आपको काम रखना इट्स लाइक अ बिग डील, मतलब गुस्सा आपको जब आता है तो वो आप अंदर नहीं रख पाते हो। आई थिंक शी इज वेरी काम एंड शी इज पॉजिटिव ऑल्सो, शी इज अ नाइस, शी इज वेरी नाइस, नाइस टू मी, नाइस, शी इज अ नाइस गर्ल। मतलब मेरा इतना बॉन्ड नहीं था शो में, ज्यादा मेरी बात नहीं हो पाई थी, बट शी टॉट मी थिंग्स अबाउट मेकअप। उन्होंने मेरे को बताया था ऐसे करने से ऐसा होता है, बिकॉज वी यूज टू डू मेकअप टुगेदर, वो बैठ के हम दोनों ना बैठ के साथ में मेकअप करते थे, तो मैं पूछती थी कि अच्छा ये वो, शी टोल्ड मी मिक्स एंड मैच करो एंड ऑन ऑल, हर मेकअप स्किल इज ऑन टॉप। ओके नेक्स्ट, योर फीलिंग टुवर्ड्स पार्थ, वॉज इट ट्रू और जस्ट फॉर दिस शो? देखो मैंने ये क्लिप भी आई है कि मैंने सीधा बोला है उन्हें कि मैंने आपको जब हम स्कूल में थे ना तब आपका शो देखा था, तो ऑब्वियसली आप सबने देखा है पार्थ को उससे, और यू नो इन दैट शो वी यूज टू लव दैट शो एंड हमें ये था कि यार हमें वो कैरेक्टर बहुत पसंद था उनका, तो सेम एज एंड द फैक्ट इज आई टेल यू वाई। तो वो तो मैंने शो में उनको देखा था, तब तो वो शो पसंद था और वो कैरेक्टर वो पसंद थे ऑब्वियसली, बट व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक डूड ही लुक एग्जैक्टली सेम। उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन कर रखा हुआ है, ही लुक एग्जैक्टली सेम, लाइक एग्जैक्टली सेम, लाइक वाओ वाओ। सो या आई डू लाइक हिम, आई रियली लाइक हिम, बिकॉज ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज वेरी नाइस, ही इज वेरी नाइस गाय, ठीक है, वो बहुत ही पॉजिटिव भी है, और ही आपने शो देखा है तो आपको पता चल गया कि जैसा दिख रहा है ना वैसा ही है वो, एक्चुअल वैसे ही है। तो या एंड द अदर रीजन इज ही इज हॉट ऑल्सो। अगर नेक्स्ट, वर यू गाइज बींग रिकॉर्डेड फॉर 24/7? यस सर, 24/7 हमारे सर पे कैमरा था, और मैं तुम्हें एक सीक्रेट भी बताती हूँ, 24/7 हमारे सर पे कैमरा होता था, और मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं और रूही बता जब हमें किसी टॉपिक पे बात करनी होती तो हम कैसे करते थे। हम लोग बिकॉज हमारे पास 24/7 माइक भी रहता था, हमारे पास 24/7 हमारे बॉडी में माइक भी रहता था, मैं को रूही को अगर कोई सीक्रेट बात करनी है तो हम वॉशरूम में जाते थे, अपने माइक की बैटरी हटाते थे और वो हम बात करते थे। अगर नेटफ्लिक्स वाले देख रहे ना वो हमें मार डालेंगे भाई, बिकॉज हम वॉशरूम में भी बात करते थे जाके चुपके से, जैसे कोई बहुत सीक्रेट टॉपिक चल रहा है ना तो हम लोग अंदर जाएंगे और अपनी बैटरी हटाएंगे और फिर हम बात करने आओ, बातें करते थे यार। यस हम ऐसी बात तो ये वो ये सीक्रेट बताया मैंने, बट बिकॉज 24/7 आपका कैमरा वॉशरूम में ही कैमरा नहीं होता था तो हम वॉशरूम में घुस के बात करते थे मैं और भी। ओके नेक्स्ट, व्हाई द हेल यू एंड पार्थ फ्लर्टिंग वाज नॉट शोन?
आई डोंट नो डूड, देयर वर लाइक सो मच थिंग्स यू नो. मैंने उनके साथ वो जो मेरा टॉक शो बनाया था ना, उस टॉक शो में मैंने एक और एपिसोड करा था जिसमें मैं अपनी मॉम बनी थी और मैं उनसे अपने लिए चीजें पूछ रही थी. बट यार ऑब्वियसली बिकॉज इट वॉज जस्ट फॉर 8 एपिसोड और 21 डेज में वो क्या क्या दिखा देंगे. उनका मेनली फोकस जो था वो दिखा था हमारे सारे एक्सपेरिमेंट हमारे पे जो हुए थे उस पर ज्यादा ध्यान दिया था, ना कि इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया था. बट आई हैड सो मच फन, लाइक मेरे को तो चुम्मा मिला यार पास से. मैं मेरे पूरे शो में मुझे चुम्मा मांगा है, वो भी नहीं दिखाया डूड. मैं ऑलवेज लगे किस तो बनती है, किस तो दे दो. तो उन्होंने को दी भी है यार एक किस मेरे गाल में. दैट डे, दैट वाज द डे. ओके नेक्स्ट, शी हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो आई एम गोना आंसर दैट. वाज द शो स्क्रिप्टेड और द पार्ट्स ऑफ इट वाज स्क्रिप्टेड? शो वाज नॉट स्क्रिप्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल. या स्क्रिप्टेड, अब मुझे नहीं पता भाई स्क्रिप्ट क्या होती है जिसमें आपको ऐसे पेपर में लिख के दे देते और वो आपको पढ़ना पड़ता है. नहीं डूड, ऐसा नहीं था. हम लोग को खुद से जो करना है हम लोग वो सब खुद से कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने हमें पेपर दे दिया, उन्होंने हमें बोल दिया कि अब तुम ये बोलो, ऐसा कुछ नहीं था. नो, सो आंसर इज नो. डिड द क्रिएटर आस्क यू टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर TRP? नॉट रियली. वन क्रिएटर डिड, वो खुद से, बिकॉज द क्रिएटर वॉन्ट्स द TRP राइट. अगर जिस क्रिएटर को TRP चाहिए वो तो थोड़ा एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है बिकॉज इंडिया में थोड़ा ड्रामा चलता है. सो या वन क्रिएटर डिड आस्क मी फॉर दैट, बट आई एम नॉट गोना से नेम. बट या ओके नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आकाश विनिंग? नो कॉमेंट, नो कॉमेंट. आई शुड विन. ओके यार वो ये जीतती तो मुझे ज्यादा खुशी होती. What do you think about Mridul's mentality? Because he said certain things about Sakshi and said Lodu to Parth. Okay. Yaar, see, मैं किसी की mindset को नहीं judge कर सकती because it, यार देखो सबसे पहली बात, ये show काफी time पहले shoot हुआ था और उस time पे हम लोग उतने mature भी नहीं थे, तो मैं as a Mridul को भी इसमें consider नहीं करूंगी कि वो बहुत mature था या वो भी something, anything like that. ऑब्वियसली मुझसे बड़ा है एज में, तो बट या आई डोंट हैव एनीथिंग टू से इन दिस सिचुएशन बिकॉज वो उसका माइंडसेट था और मैं भी बहुत अलग माइंडसेट में थी. मुझे भी उस टाइम में इतना कुछ पता नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो आई डोंट नो. वर यू अलाउड टू यूज पर्सनल फोन्स इन द हाउस व्हेन द कैमरास वर ऑफ? नो, हमारे फोन्स ले लिए गए थे, सच में ले लिए गए थे और हम अलाउ नहीं था. और हमें जो कॉलिंग भी होती थी घर वालों को वो उनके फोन से होती थी, ना कि हमारे फोन से. ओके, Did you get paid for your participation? Yes, we did. Okay, next. What did you think when you yourself was watching the show after it being released? I was pretty nervous before कि मैंने क्या करा, because obviously 2 साल पहले आपने shoot करा है वो show, तो आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या क्या करा है. मतलब मेरी तो memory इतनी छोटी है, जैसा मैंने show में बोला मेरी memory बहुत छोटी है, मैं भूल जाती हूँ और मैं लिटरली सारी चीजें भूल चुकी हूँ. मुझे नहीं पता कि कैसे दिखने वाला है शो में और क्या होने वाला था. आई वॉज वेरी नर्वस, वेरी नर्वस. आफ्टर वॉचिंग माई शो आई वॉज लाइक फुली हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट. सो या तो वैनिश हो गया सारा नर्वसनेस. डिड समथिंग हैपन इन द हाउस विच वॉज नॉट टेलीकास्टेड इन द शो? देयर आर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन द हाउस जो कि नहीं दिखाया हुआ है बिकॉज मैंने बताया उनका उनका मोटिव ये नहीं था कि वो घर का ड्रामा दिखाए, जो हम विला में रह रहे हैं उसका ड्रामा दिखाए. उनका मोटिव था कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उससे हम क्या कर रहे हैं. ओके नेक्स्ट है, डिड द एडिटर्स क्रिएटर्स ऑफ द शो मैनिपुलेट वन थिंग इनटू द अनदर व्हेन टेलीकास्टिंग द शो? यार सी, मैं इसका आंसर ऐसे दूंगी कि यार ये उनका शो है और उनको अपना शो हिट बनाना है, ठीक है. और सबके एक तरीके से एक तरीका कैरेक्टर है सबका अपना अपना, तो उन्होंने उसी तरीके से लोगों को दिखाया, आई गेस उसी तरीके से एडिट कराया है. सो या आई विल से दैट दिस इज माय आंसर टू बी वेरी ऑनेस्ट. डू यू थिंक आकाश प्लेड वेरी स्मार्टली एंड सीक्रेटली मैनिपुलेटेड एवरीवन सो दैट ही कुड विन? आई डोंट नो डूड, आई डोंट टॉक अबाउट हिम. नेक्स्ट, आई डोंट नो बट आई फेल लाइक एवरीथिंग वॉज बिट स्क्रिप्टेड. That's your mindset. I don't know why you felt that, but ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. Because मैं बता रही हूँ मैंने shows करे हैं, चाहे मैंने MTV के shows करे, चाहे मैंने Netflix के साथ काम किया, scripted नहीं होता. Scripted आपको इसलिए लगता है because लोग TRP के लिए ड्रामे करते हैं और शो में अगर आपको स्क्रीन टाइम चाहिए तो आपको ड्रामे करने पड़ेंगे. और आपने देखा मेरे को तो इतना स्क्रीन टाइम मिला भी नहीं है, जैसे पार्थ और मेरे को स्क्रीन टाइम नहीं मिला है इतना, क्योंकि हमने इतना, हमारा इतना कुछ था ही नहीं. हम लोग
जैसे वैसे ही थे, चिल एकदम. वर्ज पार्ट हम्बल थ्रू आउट द शो. यस ही वॉज मैं बता रही हूँ, ही इज द मोस्ट हम्बल गाय, लाइक वेरी नाइस. वो अपना बहुत बजाज आयु नहीं. नेक्स्ट, डेट मैरी किल मृदुल पार्ट भाविंग. ओके मृदुल, मैं उसे किल करती बट ऑनेस्टली आई थिंक आई किल हिम ओनली. पार्ट ऑब्वियसली मैरी, भाविन डेट. ओके नेक्स्ट, साक्षी का शो लीव करने इज स्क्रिप्टेड ना? ओ माई गॉड, इट वॉज नॉट स्क्रिप्टेड डूड. हम लोग उतने शॉक थे जब उसको शो पे, जब उसका जो भी चीज हुई है ना उससे, हम उतना ही शॉक थे जितना आप लोग शॉक हुए होंगे. बिकॉज इट वॉज वेरी शॉकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज वेरी शॉकिंग. जो भी चीजें हुई थी ना बहुत शॉकिंग, दैट वॉज नॉट स्क्रिप्टेड डूड, इट वॉज नॉट. ओके नेक्स्ट, इट वॉज 21 days एंड आई गेस यू ऑल बेरली शॉट वंस इन अ वीक और ट्वाइस, सो वॉट अबाउट अदर फ्री डेज वॉट यू यूज टू डू? ऐसा नहीं है 21 days ही हमारे सर पे कैमरा होते थे, बट ऐसा नहीं है कि एवरी डे कि हम चैलेंजेस कर रहे हैं या हमारे पास टास्क हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता था. कुछ डेज हमारे वीडियोज में जाते थे, वीडियोज जो वीडियो डायरी होती है जिसमें हम लोग अलग से बैठ के बात कर रहे होते हैं, वीडियोज शूट होती है तो वो सब इंक्लूडेड होता है. बट 24/7 हम कैमरा के अंदर थे, 21 days कैमरा में ही थे. आई डिडंट यू स्टॉप मृदुल व्हेन ही वाज टॉकिंग दोस थिंग्स अबाउट साक्षी, इंस्टेड यू वर लाफिंग व्हेन इट वाज द टाइम टू ओन इट. ओके ये मेरे को बहुत मिला है, बहुत पूछ रहे हैं मुझसे. सी आप लोग मेरे को जानते हो बेस्टीज, मैं ऐसी नहीं हूं. अगर कोई किसी के बारे में बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगी. बट बैक देन 2 years back आई वॉज अ किड. मैंने शो में एंट्री करी है, ठीक है, मैं क्लूलेस हूं. अगर आप वहां देखोगे मैं क्लूलेस बैठी हुई हूँ, चोटी भी नहीं खुली है यार मेरी, क्लूलेस बैठी हुई हूँ. तो उसने मुझसे वो क्वेश्चन पूछा और आई वाज लाइक ठीक है, मतलब हम नॉर्मल बातें कर रहे थे तो मैंने ऐसे आंसर दे दिया. मैं मेरे को भी आइडिया नहीं है उस टाइम मेरा माइंडसेट क्या था क्या नहीं था, बट मुझे इतना जरूर पता है कि मैं उस टाइम पे शो में न्यू आई हूँ और मेरे लिए मैं जोन आउट ही हूँ अपने में जोन. तुम देखोगे मेरी शक्ल उस सीन में तो मैं जोन आउट हूँ. और वो मुझसे पूछा था, मेरी एक्चुअली साक्षी से बात भी हुई थी इस बारे में कि मेकअप वगैरह के बारे में बात हुई थी, तो शी टोल्ड मी अबाउट हर इनसिक्योरिटी एंड एवरीथिंग. तो मैंने वहां पे बात बोली भी है कि हाँ उनको इनसिक्योरिटी इस वजह से वो नहीं करती हैं, ठीक है, ये भी बात बोली थी. और बात कपड़ों की थी तो मैंने बोला भी था वो एल एस ए है, वहां तो सब चलता ही है. और देखो वहां पे कॉन्वर्सेशन बहुत हुई थी, वो बहुत छोटा सा पार्ट दिखाया हुआ है और मुझे सच में याद नहीं है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि मैंने वो पार्ट देखने के बाद मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअल में ये सब हुआ था, मुझे याद ही नहीं रहा. और मुझे सच में नहीं याद है, मैं उस टाइम पे जोन आउट थी. और मैं ये 2 years back की बात है बेस्टीज, आई वॉज अ किड दैट टाइम, आई वॉज अ किड. एंड मुझे अब बहुत बुरा फील होता है, मतलब आई रियली वॉन्ट टू से सॉरी टू साक्षी, मैंने उस टाइम पे भी नहीं बोला बिकॉज मैं बच्ची थी, मुझे पता ही नहीं था. बट कभी भी मिलेगी साक्षी को, आई से सॉरी टू हर बिकॉज उस टाइम में मुझे आइडिया ही नहीं था, आई वॉज अ किड टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई फील बैड अबाउट इट. ये कोई मैं अपनी गलती छुपाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ये बहुत गलत है, क्योंकि मैं दिमाग ही क्या था उस टाइम में मेरा, क्यों नहीं मैंने उसको कुछ बोला, क्यों नहीं, ऐसा फील हो रहा मेरे को शो देखने के बाद. जितना आप लोगों को बुरा फील हुआ ना, सेम होता है मुझे बुरा फील हुआ है. ओके नेक्स्ट, डिड यू गाइज रियली डिडंट हैव योर फोन फॉर 21 days? यस वी डिड. हमें दूसरे फोन मिले थे जो उन्होंने दिए थे, जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे, हमारे पास अपने फोन नहीं थे. ऐसा क्यों लगता है आपको शो में अगर सच में दे रहे हैं? ऐसा नहीं होता भाई, आई डोंट नो अबाउट अदर शोज बट नहीं, ऐसा नहीं होता. मैंने और भी शोज करे, उनमें भी आपको फोन नहीं मिलते. मैंने लव स्कूल करे, लव स्कूल में भी आपको फोन नहीं मिलता आपका. ओके नेक्स्ट, यू रो यू आर सो कनेक्टेड टू योर मॉम, आई फेल दैट. हाउ यू लव योर मॉम? जब बादशाह वाला टास्क हुआ था यू सेड दैट कि मैं जो भी हूँ मेरी मम्मा की वजह से हूँ, और आप वहां उस केस में भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी मम्मा के ऊपर कंटेंट बना दिया. दैट टाइम आई फेल्ट लाइक क्राइंग, आई वाज ओवरवेल्म्ड सीइंग इट. यू आर जैम गर्ल, आई लव यू सो मच. आई लव यू टू मस्कान, एंड थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग दैट. मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, बट या ये बात तो बिल्कुल सच है कि मैं जो भी हूँ अपनी मॉम की वजह से हूँ, बिकॉज शी इज अ सुपर वुमन ऑफ माई लाइफ. ऑब्वियसली उन्होंने बहुत कुछ किया लाइफ में, तो मैंने कहा कि वाई नॉट आई शुड मेक कॉन्टेंट अबाउट हर, बिकॉज यू नो मैं अभी मैं अगर फेमस भी हूँ कहीं लेवल तक तो उनकी ही एक्टिंग कर करके फेमस हुई हुई हूँ. आप लोगों को अगर मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे हो तो मैंने उनकी ही एक्टिंग कर करके मैं फेमस हुई हूँ. तो
तो शी इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, दैट्स व्हाई लाइक उस टाइम में मेरा माइंड कुछ नहीं हुआ. और मेरे ना प्रेशराइज में, जैसे वहां पे सब प्रेशर में काम करते, मैं प्रेशर में बिल्कुल काम नहीं कर सकती, मैं बहुत ही ऑपोजिट हूँ. तो उस टाइम पे, उस मोमेंट में मेरे को लगा नहीं, आई हैव टू मेक कॉन्टेंट ऑन माई मॉम, बिकॉज यू नो दिस इज वॉट पीपल नो अबाउट मी दैट मोमेंट, दैट टू ईयर्स बैक. हाउ वॉज योर ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ब्रो? ओके, माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस सच बताऊं तो मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है नेटफ्लिक्स से, मुझे लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिला है. स्पेशली व्हेन आई सी रूही, रूही से मैं हमेशा से, मतलब मैं बताऊं, मैंने हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है. रूही को मैंने देखा है, रूही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग. मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप इतने हार्ड वर्किंग हो, मतलब मुझे आपसे सीखना. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनसे सीखने के बाद ना आई बिकम लाइक दिस कि मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप लोगों ने भी देखा, मैं इस बारे में बहुत बात करती हूँ कि मेरे लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ और अपने काम पे ही ज्यादा फोकस करती हूँ. और ये बात मैंने रूही से सीखी है. पार्ट से मैंने देखा है कि वो कितनी काम और वो कितने पॉजिटिव है. वो चीज मैंने मतलब मेरे में मेजर चेंज आया है इस शो के बाद. आई नाउ आई एम वेरी पॉजिटिव, ठीक है, आई एम वेरी फोकस्ड लाइक रूही, पॉजिटिव लाइक पार्ट. एंड भाविन इज वेरी क्रिएटिव, I can say that Bhavin is very creative. So I learned from him that यही लोग थे मेरे दोस्त, औरों का तो मुझे नहीं पता. Okay, but मैंने ये सारी चीजें सीखी है. Okay, next है was Part good to you or ignored you? Like how was bonding with Part? He was good to me because he's a humble guy. He was good to me every time. ठीक है, मैं वो भी मेरे को, उन्होंने काफी मेरी हेल्प करी है और मैं उनको बहुत ट्राई करती थी कि मैं उनको एडिटिंग स्किल्स सिखाऊं. मैंने बोला ना बहुत सारे पार्ट्स नहीं दिखे, हम दोनों बैठ के एडिटिंग उनको सिखाती थी और ये सब ट्राई टू हेल्प हिम आउट. और या ही वॉज गुड टू मी द होल शो. ही वॉज जस्ट मेरे को देखते हंसते थे और बोलते थे, ही इज ऑलवेज लाइक. ओके नेक्स्ट, डोंट गेट मी रॉन्ग, you're always laughing even at wrong places when you're not supposed to laugh. I know dude, because I felt the same. matlab mereko aisa hi laga jab maine apna show dekha, matlab main har moment mein hans rahi hu bhai, main bahut roya ye show mein. thank god unhone dikhaya nahi hai, main bahut roya ye show mein, theek hai, but wo dikhaya nahi hai, theek hai, and I'm so glad. but main har moment mein hans rahi hu and I feel so bad, like what the fuck. but as I said उस टाइम पे मैं बच्ची थी, जिसको हंसना, खिलखिलाना, कूदना, उछलना यही पसंद था. और मैं पूरे शो में यही करती थी, हंसती रहती थी. इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है तब भी हंस रही हूँ बैठकर, पागलों की तरह. पता नहीं क्या है, बच्चा दिमाग. वो नहीं मैं उनमें से थी जो सीरियस टॉपिक चल रहा है, सब लोग सीरियस बात कर रहे हैं और तुम्हें हंसी आने लग जाए. वो एज दैट. एंड नाउ आई फील सो स्टूपिड आफ्टर सीइंग दिस कि मैं कितनी स्टूपिड थी डूड. ओके नेक्स्ट, पार्थ को ऑकवर्ड फील हो रहा था, ये चीज आपको पहले पता था या शो के बाद पता चला? मुझे बाद में पता चला कि उनको ऑकवर्ड हो रहा था, मुझे नहीं पता चला. मैं उनको जब भी उनकी बात करूंगा वो हंस रहे थे, तो मुझे लगता था चलो सही है, इंसान हंस रहा है मेरे साथ बैठकर. तो मैं तो उसको फन में भी लेती थी, बट मैंने उनको लिटरली सॉरी मैसेज करा इंस्टाग्राम पे कि आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको ऑकवर्ड करा, बट I don't mean to do that. तो उन्होंने बोला it's okay. उन्होंने मुझे आंसर दिया. Okay. Next. How did you felt when your names led light went down? बहुत रोई थी मैं. मैंने बता रहा मेरे रोने वाला पार्ट नहीं है वहां पे. मैं बहुत रोई थी. मैं कैमरे पर गया नहीं रोती थी, मैं एकदम छुप के अपना मुंह छुपा के रोती थी, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो माय अगली फेस व्हेन आई एम क्राइंग. बट मैं बहुत रोती थी. मुझे इवन जब मेरी लाइट्स ऑफ हुई थी ना, मुझे आई रिमेम्बर बादशाह उठ के मेरे पास आया था, उन्होंने मुझे हग करा था, उन्होंने मुझे बताया यू आर अ जैम, डोंट क्राई. देन उस वो मोमेंट में तो मेरा डे बना दिया था, मतलब मैं उस टाइम पे फिर ठीक हो गई थी, बट मैं बहुत रोई थी उस मोमेंट पे, तो बहुत ज्यादा आंसू ही नहीं रुक रहे थे मेरे इतना ज्यादा. तो दैट्स इट. बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे, बट मैंने थोड़े से पिक करे हैं, जिनमें से मुझसे सबसे ज्यादा साक्षी के बारे में, हमारे रूही के बारे में पूछा था. साक्षी के बारे में पूछा कि उसने क्यों छोड़ा, या उसने क्यों छोड़ा बीच में शो, तो वो तो उसको पता है ना, मुझे नहीं पता. मैं वहां पे थी, जो रीजन दिखे, जो आपने शो में देखा, हम भी वहीं पे थे, हमें भी उतना ही दिखा है, ठीक है. और उसके अपने पर्सनल रीजन होंगे, आई डोंट नो, ठीक है. और भी बहुत सारे क्वेश्चन से,
ठीक है, बट मैंने जो पिक मैं सारे तो नहीं पढ़ सकती हूँ, सो हियर वी गो. और मे बी इफ यू हैव लाइक अदर क्वेश्चंस और मे बी वी कैन मेक अ पार्ट टू, बट आई एम थिंकिंग टू मेक अ पार्ट टू विद रूबी. मे बी वी विल मीट एंड वी विल मेक दिस. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आप लोगों ने मेरा शो नहीं देखा अभी तक तो जाके देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, आप लोगों को मेरा मतलब मैं एक्चुअल में वैसी ही लड़की हूँ जो हमेशा खुश रहती है, जो हमेशा उछलती कूदती रहती है और जो हमेशा फ्लर्ट करती है. बट यू नो, बट नाउ मतलब मैं थोड़ी सी ग्रोन अप हो गई हूँ तो वो चीजें थोड़ी कंट्रोल में होती है. और वैसे जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ ना, मैं वही सेम पागलपंती करती हूँ जो मैं शो में कर रही थी. अदरवाइज मैं वैसे बहुत वैसे नॉर्मल रहती हूँ, ठीक है, नॉर्मल बिहेव करती हूँ. बट जब मैं फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ तो वही बचपना मेरे में आ जाता है दोबारा से. तो या आप लोग सब मुझसे ये भी बोल रहे थे कि आपने क्यों किया, आप हंस रहे थे, आप इतने अलग दिख रहे हो, ये का वो, क्योंकि ये शो 2 साल पहले शूट हुआ था तो इसी वजह से मैं आई वॉज अ होल डिफरेंट पर्सन 2 ईयर्स बैक. हर दिन आप ग्रो करते हो, हर दिन आप आगे बढ़ते हो, हर दिन आपको, आप जब भी अपना आपको 1 साल पीछे देखोगे आपको क्रिंज होगा. ही आई वॉज लाइक दैट, सो दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी. मुझे क्रिंज हुआ अपना आपको देखकर. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड योर बेस्ट सीजन ऑन नेटफ्लिक्स. That's it. Thank you for watching, besties. I love you all. And please, please, please do subscribe my channel. And I love you. Bye.